तो फ्रेंड्स, पोकेमोन किटनी वुड आप सभी का स्वागत है। तो यार, अब से हमारे चैनल पे ना सीरीज आएगी क्यों ऐश बार बार लीग हार जाता है, क्यों वो इंडिगो लीग हारा, क्यों वो जोटो लीग हारा, क्यों वो हुइन लीग हारा, और वो सारी की सारी लीग क्यों हार जाता है। अब कुछ लोगों को ये कंप्लेन होगी, अगर वो हारेगा तभी तो सीरीज आगे बढ़ेगी, तो सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी। पर भाई, उसको तो पोकेमोन मास्टर बनना चाहिए यार, बहुत साल हो गए हैं पोकेमोन को, तो यार ऐश को थोड़ा बहुत अच्छा दिखाना भी चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे क्यों वो बार बार हार जाता है और उन बंदों से वो कैसे हार जाता है, और इसीलिए हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले लाइक कर दो, और तो बिना कोई वक्त गवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐश इंडिगो लीग हारा था। तो अगर हम ऐश के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके पोकेमोन के बारे में बात ही कर लेते हैं जो उसने इंडिगो लीग में पकड़े। सबसे पहले तो बात ही बताना चाहता हूँ उसका पिकाचू स्टार्टर था। उसने तीनों स्टार्टर पकड़ लिए थे इंडिगो लीग के, बल्बासोर, स्क्वायरटल और चार्मेंटर, हालांकि वो उसके साथ ही आए थे। और अगर एक और बात करूँ तो उसके यार फर्स्ट पोकेमोन जो कैटरपी थी, वो बाद में बटरफ्ली में इवॉल्व हो गई थी। ऊपर बटरफ्ली को ऐश ने रिलीज कर दिया था, और ऐश ने एक पिजोटो भी पकड़ा था, और ऐश ने एक प्राइमेप भी पकड़ा था, हालांकि उसको भी उसने दे दिया था। यार ऐश कितने रिलीज करता है पोकेमोन, हद होती है किस चीज़ की। और बाद में उसने क्रैबी को पकड़ा जो बाद में किंगलर में इवॉल्व हो गया था, फिर मक को पकड़ा, और टोरस, बहुत सारे टोरस थे यार उसके पास, हालांकि उसने एक ही टोरस यूज़ करा। तो अब हम बात करेंगे उसके जिम बैटल्स की। तो जिम बैटल्स की क्या बात करूँ यार, उसने तो कुछ बैटल्स तो लड़ी नहीं, तभी उसे जिम बैच मिल गया था। हाँ यार, बहुत सारे तुम्हें याद भी होगा, कुछ एग्जांपल थे, सबरीना जब वोटर उसे हंसा देता है। फिर जब बाद में पोकेमोन लीग के कंपटीशन आते, तो यार ऐश काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है, और उसका क्रैब भी किंगलर में इवॉल्व हो जाता है, और उसका मग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उसकी बैल स्लॉट को हराने में। अब बात करें हम रिची की, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है। तो अगर हम उस एपिसोड की बात करें, तो उस एपिसोड में टीम रॉकेट ऐश को अगवा कर लेती है, यानी किडनैप कर लेती है, और उसको ले जा रही होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो ऐश ना पोकेमोन लीग के फाइनल्स तक ना पहुँच पाए और रिची से हार जाए। और इसी प्लान में वो सक्सेसफुल भी होती हैं, और इसी यार प्लान में उनको हराने के चक्कर में, मतलब ऐश पहुंचने वाला होता है पोकेमोन लीग में, तो उसके जो पोकेमोन होते हैं उसकी हेल्थ भी कम हो रही होती है, और उनके पीपी भी थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। पीपी मतलब उसके जो मूव्स वो यूज़ करते हैं, कुछ लिमिटेड मूव्स का सेट ही होता है उनके पास। और सबसे पहले बात करें हम स्क्वायरटल की, तो स्क्वायरटल वाटर गन यूज़ करता है, हालांकि उसे कुछ ज़्यादा नहीं होता, पर बल्बासोर को भी ऐश यूज़ करता है, पिकाचू को भी यूज़ करता है। और पिकाचू की खास बात, उस एपिसोड में ऐश का जो पिकाचू है वो डबल एज यूज़ करता है आखिरी बार, मतलब पहली और आखिरी बार। और पिजियोटो तो यार ऐश को लाता है वहाँ से पोकेमोन लीग तक, जो बहुत दूर होती है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही होती यार, उस बैटल में अगर तुम उससे लड़ने जा रहे हो, मुझे पता है कि ऐश के पोकेमोन सेंटर जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि जो रिची होता है उसको कम टाइम दिया जाता है, अगर ऐश नहीं आया तो रिची कोई विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पर यार ऐश आता है। अब एक बात सुनो, जब उसका चार्जर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे लेके क्यों घूम रहा है, उसकी जगह वो मक को भी यूज़ कर सकता है, किंगलर को। यार किंगलर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था ऐश का। वैसे भी इस पोकेमोन बैटल में जो ऐश के पास जो पोकेमोन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं चूज करने के लिए, क्योंकि उसका पिजियोटो यार पहले ही थक जाता है, और बल्बासोर की बात करें वो हार जाता है, स्क्वायरटल को यार स्लीप कर देता है, मतलब स्लीप पाउडर दे देता है बटरफ्ली। पर यार ये एक बात समझ नहीं आई, गेम में अगर खेलते हैं तो हमारा अगर पोकेमोन सो जाता है तो वो बाद में उठ भी सकता है, बट यार इसमें तो पूरा डिस्क्वालिफिकेशन दे दिया, मतलब ऐश का स्क्वायरटल हार ही गया पूरी तरीके से, ये बात बिल्कुल यार एकदम अजीब। तो पिकाचू भी आ जाता है ऐश का, क्योंकि पिकाचू एग्जॉस्टेड हो जाता है, क्योंकि यार वो थक जाता है, टीम रॉकेट से वो इतना अच्छा लड़ा था, और चार्जर को फिर ऐश को भेजना होता है, और चार्जर तुम्हें पता है ऐश की कितनी ज़्यादा बात मानता है, इसलिए यार ऐश हार जाता है, क्योंकि ऐश के स्टूपिड जो यार ये हरकतें करता है ना, इसको यार अपना पोकेमोन चेंज कर लेना चाहिए था चार्जर्स की जगह कोई और। और यार मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये स्क्वायरटल जो था उसको यार और आगे लड़ सकता था, वो यार वेकअप भी हो सकता था, वो यार उठ भी सकता था स्लीप से, पर यार ऐसा हुआ ही नहीं, पोकेमोन कंपनी तो ऐश को हराना चाहती थी। तो बाद में पोकेमोन कंपनी ने एक रीज़न दिखाया कि ऐश गैरी से एक स्टेप आगे था इंडिगो लीग में, और आगे का सफ़र कंटिन्यू होगा। और बच्चों को भी ये दिखाना चाहते थे कि अगर तुम हार जाओ तभी भी तुम कभी हार ना मानो और आगे बढ़ो। और एक चीज़ सिंपल सी बता दूं कि लास्ट में रीज़न क्या निकला, कि ऐश के पास ट्रैड पोकेमोन था वो इसलिए आ रहा, और उसके पोकेमोन था जो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता, क्या पता वो आगे जाके उसकी बात माने चारिज़ार्ड। और तीसरा रीज़न ये था कि वो डिस्क्वालिफिकेशन, वो जो स्क्वायरटल जब सो जाता तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, मैंने पूरी कोशिश करी एक्सप्लेन करने की क्यों ऐश इंडिगो लीग हार गया। तो यार अगर इसमें मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, यानी कि 200 लाइक्स अगर मिल जाए, तो यार जल्द से जल्दी जितनी जल्दी मेरे को लाइक्स मिलेंगे अगला पार्ट इसका जरूर आएगा। यार तुम सपोर्ट करो तो इसका अगला पार्ट आएगा ऐश जोटो लीग क्यों हारा, और उसमें भी सपोर्ट मिल गया तो फिर ऐश हुइन लीग क्यों हारा, और ऐसी धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। तो हाँ यार, तब तक के लिए गुड बाय।